पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला जारी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से 8 लोगों की दर्दनाक हत्या हुई उसे हमने लोगों के सामने रखा। बीरभूम मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से ममता बनर्जी हताश हैं। टीएमसी विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के धमकी भरे बयान को लेकर भी बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि टीएमसी के विधायक ने बीजेपी के समर्थकों को धमकाया है, अगर बीजेपी के विधायक ने इस तरह का बयान दिया होता तो विपक्ष हंगामा कर देता। ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह के बयान दिए गए हैं। वेर आर ऑल दी टॉर्च बियरर्स ऑफ डेमोक्रेसी टुडे व्हेन वन ऑफ दी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ तृणमूल कांग्रेस हैज थ्रेटन्ड द बीजेपी वोटर्स, नॉट बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी वोटर्स, that if the voters come out of their home and vote for Bharatiya Janata Party, the consequences are going to be dire. So where are all those harbingers of democracy today? Ye talibani mansikta Congress party ka hi ho sakta hai, ye kisi aur ka vichardhara nahi ho sakta hai. Election commission isko sangyan mein le, ye Bharatiya Janata Party jarur chahti hai. Trinamool Congress ke vidhayak नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के वोटरों को धमकाने के मामले में पश्चिम बंगाल बीजेपी के सांसदों के दल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार समेत अन्य नेताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इसे लेकर ज्ञापन भी दिया है। मुलाकात के बाद सुकांता मजुमदार ने कहा कि चुनाव आयोग ने टीएमसी विधायक के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ साथ आने की अपील की। सीएम ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी इसका इस्तेमाल कर राजनीतिक बदला ले रही है। हमें बीजेपी के इस कदम का विरोध करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में बुलाए न जाने को लेकर शिवपाल यादव की नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिवपाल यादव ने न अभी विधायक पद की शपथ ली और न ही समाजवादी पार्टी की ओर से बुलाई गई सहयोगी दलों की बैठक में शामिल हुए। दरअसल विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने के बाद से ही शिवपाल नाराज बताए जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते हैं, ऐसे में उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाए जाने की उम्मीद थी। हालांकि एसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने शिवपाल यादव को सहयोगी दल का अध्यक्ष बताया था।